फ्री में सब्सक्राइब करें मोबाइल इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सो हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे कैसे आप अमेजन पे से डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे जो है रिलायंस, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, डिश, एयरटेल, सन, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अमेजन पे एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अमेजन पे एप्लीकेशन में किस तरह से अकाउंट बनाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक है, आप वीडियो को देख लेना और यहाँ पे अमेजन पे का अकाउंट बना लेना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको 3 जो लाइन है वहाँ पे आपको जाना होगा अमेजन एप्लीकेशन से और यहाँ पे अमेजन पे एप्लीकेशन को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अमेजन पे एप्लीकेशन चूज़ करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे डीटीएच का रिचार्ज करना है तो डीटीएच रिचार्ज पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप डीटीएच रिचार्ज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो आ चुका है, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आप खुद यहाँ से चूज़ कर लेना। तो मेरा तो यहाँ पे डिश टीवी है तो डिश टीवी को जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ तो डिश टीवी तो यहाँ रैंडमली चूज़ होकर आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपका जो कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट भरना होगा, जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 10 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो अप्लाई है, मैं अप्लाई को क्रॉस कर देता हूँ और कंटिन्यू टू पे तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कैशबैक आपको मिल जाता है, 10% से लेके 50% तक के कैशबैक आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। लोडिंग ले रहा है या नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो रिचार्ज आपको कहाँ से करना है, आप अगर चाहे तो डेबिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हो। डेबिट कार्ड को ऐड करना होगा, एटीएम डेबिट कार्ड जो है वो आपको ऐड करना होगा। यहाँ पे मैंने जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो बैंक अकाउंट में से ही मैं करूँगा यहाँ से। तो मैं इसमें क्लिक कर देने के बाद नीचे आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद जो आपके UPI ID है वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए प्रोसेसिंग पेमेंट। देखिए यहाँ पे आपको UPI जो है ID कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो 6 संख्या की UPI कोड है। तो मैं अपना 6 संख्या की UPI कोड मैं यहाँ से डाल देता हूँ यहाँ से। तो डाल देने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे 30 मिनट जो है कैशबैक जो हमें वो 30 मिनट के अंदर मिल जाएगा। मैंने 10 रुपये के रिचार्ज किया तो यहाँ पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा शायद। तो यहाँ पे जो कैशबैक है आपको 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। आप यहाँ पे पेटीएम जो पे बैलेंस पे वॉलेट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद, गुड बाय।